राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर देव। स्वागत करता हूं आज के एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो अपना होने वाला है जूनागढ़ किले के ऊपर, और काफ़ी टाइम बाद अपना ये ब्लॉग आ रहा है, तो सपोर्ट पूरा करें। और ये जो जूनागढ़ किला है, ये राजस्थान के खूबसूरत किलों में से एक है। इसकी खासियत भी मैं आपको बताऊँगा कि ये इतना खास क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। तब तक इन्जॉय कीजिए जूनागढ़ किले के सिनेमेटिक शॉट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब किले के अंदर। और इस किले में जाने के लिए पांच प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। पहला है करण पोल, दूसरा है दौलत पोल, तीसरा है फतेह पोल, चौथा है सूरज पोल और पांचवा है रतन पोल। ये प्रवेश द्वार इतने इसलिए बनाए जाते थे ताकि आक्रमण के समय विरोधी जो सेना होती थी वो डायरेक्ट किले के अंदर ना घुस पाए, उन्हें हर स्टेज पर रोका जा सके, इसलिए इसमें इतने प्रवेश द्वार बनाए गए। आप जो सामने वाला ये देख रहे हैं रेड वाला, ये है रतन पोल, और इसी के साइड में जो व्हाइट वाला देख रहे हैं यह है सूरज पोल। तो दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं, इस किले में गणेश जी का मंदिर भी बनाया गया है जिसे गढ़ गणेश जी कहा जाता है। ये मंदिर किले के निर्माण से पहले यहाँ पे गणेश जी का मंदिर बनाया था, उसके बाद किले का निर्माण हुआ था, इसलिए इसे गढ़ गणेश जी कहा जाता है। देखिए, यह है गणेश जी का मंदिर। और इसी के ठीक सामने बनाए गए हैं करणी माता का मंदिर, और तीन देवियों का मंदिर भी है, ये चामुंडा माता, करणी माता और काली माता का भी है इसमें। तो चलिए दोस्तों, तीन देवी के दर्शन कर लिए, अब चलते हैं किले के। दोस्तों, इस किले के अंदर जाने से पहले मैं इसकी खासियत बात बता देता हूँ। ये राजस्थान के खूबसूरत किलों में से एकमात्र ऐसा किला है जो कि समतल मैदान पर बनाया गया था, और बाकी सारे किले पहाड़ियों पर बनाए गए थे। और दोस्तों, इसका जो निर्माण है वो महाराजा राय सिंह जी ने करवाया था। और दोस्तों, आप जो इस किले में ये लाल पत्थर लगा हुआ देख रहे हैं, ये बीकानेर से 65 किलोमीटर दूर दुलमेरा गाँव से लाया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब लेते हैं टिकट और अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, हमने टिकट ले ली है, और टिकट की मैं आपको प्राइस बताऊँ कितने की क्या टिकट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ टिकट। हमने दो प्रकार की टिकट ली है। ये जो पिंक वाली है, ये है वीडियो शूटिंग की, जिसकी प्राइस है 200 रुपये, और येलो वाली है, ये है एंट्री टिकट, जिसकी प्राइस है 100 रुपये पर पर्सन। अगर आपके साथ चिल्ड्रन आता है जो 5 साल से कम है, तो उसकी टिकट 50 रुपये है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हैं और फिर जाएंगे अंदर देखने के लिए। अभी हमने रोक दिया है क्योंकि वो गाइड आएगा, फिर हम उसके साथ अंदर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको अंदर जाके दिखाते हैं अब। तो दोस्तों, टिकट लेने के बाद हम जिस हिस्से में पहुँचते हैं, ये इस गढ़ का एकदम न्यूनतम हिस्सा है, और इसका निर्माण कहाँ पूर्ण हुआ था 1937 में। तो देखिए, मैं आपको वो हिस्सा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, अभी जो आप ये हिस्सा देख रहे हो गढ़ का, ये बनवाया था महाराजा गंगा सिंह जी ने, इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था 1937। ये दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं और ये देखिए रास्ता दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये जो रास्ता है, ये घोड़ों के लिए बनाया गया था, और इसके बीच में ऐसे पत्थर का डिजाइन वगैरह दिया है जिससे घोड़ों के पैर वगैरह ना फिसले। दोस्तों, अब हम जिस चौक में पहुंचे हैं, इस चौक का नाम है देवी चौक, और इसे गढ़ का स्वागत चौक भी कहा जाता है, क्योंकि जो राजा और महाराजाओं के जो अतिथि होते थे उनका स्वागत इसी चौक में किया जाता था। और इसे विवाह चौक भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी विवाह होते थे वो भी इसी चौक में होते थे। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। और दोस्तों, ये है जोरावर महल, और इसे अभी कार्यालय बनाया गया, ऑफिस बनाया गया है जो जूनागढ़ का ट्रस्ट है उनका। और इसके 12 पेंटिंग्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह देख सकते हो। और इसके ठीक लेफ्ट साइड में है यहाँ पे विक्रम विलास, जो कि बंद है। और ठीक सामने अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे 3 मंदिर है। ये 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर है, जो कि अभी बंद कर रखे हैं, यहाँ आमजन का जाना अलाउड नहीं है। अब चलते हैं सेकंड चौक में। तो
दोस्तों यह है जूनागढ़ का दूसरा चौक जिसे होली चौक भी कहा जाता है। और यहाँ राजा बैठते थे और यहाँ सारे जितने भी थे मंत्री वगैरह सब वो होली मनाते थे। और ऊपर से रानियाँ इन झरोकों में से देखती थी, उन्हें नीचे आने की अनुमति नहीं थी। देखिए, और इसके अंदर राजा के पास जो खास होते थे वही जा पाते थे, उनके पैरों पर कलर लगाने के लिए राजा वहाँ बैठा करते थे। देखिए, तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं करण महल में। तो चलिए अब चलते हैं करण महल में। तो दोस्तों आप ये जो कला देख रहे हैं ये काफी पुरानी है और आज भी इसकी सुंदरता बरकरार है। इस कला में जो जो प्रयोग हुआ है मैं बता देता हूँ। इसमें जो ये कलर वगैरह प्रयोग किए गए हैं ये सारे प्राकृतिक रंग है, और इसमें साथ ही साथ 22 कैरेट सोने का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और ये चारों तरफ है इस महल के, करण महल के चारों तरफ बनाए गए, हमें यहाँ तक ही अलाउड है, आगे कांच लगा हुआ है। और दोस्तों जो आप ये सिंहासन देख रहे हैं मैं आपको देख के दिखाता हूँ, ये चांदी का सिंहासन है और इसका वजन लगभग 300 किलो के आसपास है। और इसकी छत आप देखेंगे तो पूरी लकड़ी से बनाई गई है। और दोस्तों आप ये जो ऊपर पर्दा टाइप देख रहे हो ये पर्दा नहीं है, ये राजा को हवा देने के लिए बनाया गया था। तो चलिए दोस्तों अब निकलते हैं करण महल से बाहर और चलते हैं दुर्ग के तीसरे चौक में। तो ये है इस जूनागढ़ किले का तीसरा चौक, इधर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इधर चांदी का गेट है। और दोस्तों इस चौक में तीन महल बनाए गए हैं, तीन निवास है। पहला है अनूप महल, इधर है बादल महल और इधर है राय निवास। तो चलिए पहले चलते हैं अपन राय निवास में। तो दोस्तों हम जैसे ही राय निवास में आते हैं यहाँ पे आते ही हमको लेफ्ट साइड में बुंजई देख देखने को मिलता है, और इसी के साइड में ये भी बुंजई देख है, और यहाँ रखा गया है भंवर ढोल। देखिए, और भंवर ढोल के साइड में ही यहाँ पे महाराजा गज सिंह जी की हाथी दांत की खड़ाऊ रखी गई है। देखिए, और इस तरफ आगे चलते हैं तो यहाँ पे भी काफी सुंदर। तो दोस्तों इस तरफ आते हैं यहाँ पे गेट है जो कि अभी लॉक है, और दोस्तों यहाँ पे भी क्या शानदार कलाकारी की गई है जो है कि आप नजदीक से देखिए। और इधर ये दोस्तों झरोखा बना हुआ है, इसके अंदर जो कलाकारी की गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। देखिए अंदर थोड़ा अंधेरा, फ्लैश ऑन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों झरोखे के अंदर क्या शानदार कलाकारी की गई है। और दोस्तों आपको ये मार्बल लग रहा होगा लेकिन ये मार्बल नहीं है, ये रेड पत्थर ही है, लेकिन उसके ऊपर चुन्ने वगैरह की ऐसे 7 लेयर्स लगा के इसको ऐसे मार्बल टाइप फिनिश दी गई है। दोस्तों हमारे पीछे इधर फूल महल जो कि अभी लॉक है, लेकिन आप इसका गेट देखिए क्या शानदार तरीके से बनाया गया है। और इसी के साइड में यहाँ पे सूर्य भगवान की मूर्ति रखी गई है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। देखिए ये पूरी एक ही पत्थर से बनाई गई है, इसमें कोई अलग अलग पत्थर यूज़ नहीं किए गए, और सामने मिरर है उधर मैं दिख रहा हूँ। ये इधर है चंद्र महल, और इधर भी एक गेट है जो कि लॉक है, ये सारे लॉक है। अब हम दूसरी तरफ आ गए, इधर कुछ आइटम्स रखे गए हैं जैसे तलवार वगैरह। देखिए इसमें इस गैलरी में भी एक खास चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, उधर वो महामरातिम वगैरह रखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों उस खास चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्या बता रहा था मैं आपको। दोस्तों इस गैलरी में जिस मैं खास चीज़ की बात कर रहा था वो खास चीज़ है ये तलवारें, ये दोनों तलवारें बहुत खास है। तो दोस्तों जो आप ये बड़ी वाली तलवार देख रहे हैं ये अभ्यास के लिए यूज की जाती थी, और इसका जो वजन है वो 27 kg वेट है इसका। और इसी के साइड में महाराजा पद्म सिंह जी की तलवार रखी गई है, ये इस तलवार से उन्होंने औरंगजेब के साले का वध किया था। तो मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ महाराजा पद्म सिंह जी की युद्ध करते हैं, ये देखिए। दोस्तों इधर भी कुछ चीज़ें रखी गई है जिसमें ये कटार है अड़गुजी सांकला जी की, और ये जो तलवार है ये है राव जोधा जी की। देखिए, और इधर भी ये कुछ रखा गया है।
दाल वगैरह इधर भी रखी गई है। तो दोस्तों आपको ये जो गोल्डन दिखाई दे रहा होगा, ये गोल्ड से नहीं, ये पित्तल से बना हुआ है और इस पर गोल्ड का पानी चढ़ाया गया है। इनका नाम है माही मरातिब। ये मुगल शासकों द्वारा प्रमुख राजाओं को उपहार स्वरूप दिया जाता था, देखिए, और इसकी डिटेल्स ये यहाँ पे लिखी गई है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब निकलते हैं राय महल से बाहर और चलते हैं बादल महल की तरफ, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं बादल महल में और आपको ये देख के लग रहा होगा कि इसे बादल महल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें चारों तरफ बादल ही बादल बनाए गए हैं और बादलों के साथ यहाँ पे बिजलियाँ भी बनाई गई है, देखिए। और दोस्तों इसी की साइड में यहाँ पे ये कूलर भी लगा हुआ है पुराने टाइम का, देखिए, इसमें यहाँ से ऊपर से पानी भरा जाता था और यहाँ से नीचे से ठंडी हवा आती थी, और इसी के साइड में इसका स्विच भी है। तो चलिए दोस्तों बादल महल देख लिया, अब चलते हैं बाहर। अब दोस्तों हम जाएंगे सामने, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये है अनूप महल, अब इसके अंदर आपको जाके दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम अनूप महल के अंदर आ चुके हैं और इस महल में भी काफ़ी सुंदर कलाकारी की गई है, देखिए। इस कला को दोस्तों उस्ता कला कहा जाता है और इसमें प्रयोग लाल कलर, कांच और गोल्ड का काम किया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो चलिए दोस्तों बाहर निकलते हैं अब। तो दोस्तों इस चौक में तीन महल थे, मैंने आपको तीनों दिखा दिए हैं, जिसमें अनूप महल, राय महल और बादल महल थे। आपको कैसा लगा फर्स्ट पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सेकंड पार्ट भी जल्दी आएगा, तो इसलिए पहले फर्स्ट पार्ट देखना फिर सेकंड पार्ट देखना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।